University College Birmingham, UCB. University College Birmingham is a university in Birmingham, England. It was awarded full university status in 2012, along with the Newman University. The university is established in 1957. Birmingham is ranked 90th in the QS University World University Ranking by 2022, maintaining our position in top 100 universities globally and placing us on the 14th among the UK universities. In 2012, Times Higher Education World University Ranking, Birmingham is positioned 105th out of 1400 universities across the globe, which is a very good university. The college has the acceptance rate between 80% to 90%. Discuss about the entry requirement. Undergraduate ke jo students hain, they must have to submit HSC intermediate ke lein, FA, FSC ke lein, with minimum 70% marks. If they do have 70% marks, then they will be eligible for the direct entry on average or each major subject. A levels walon ke paas minimum triple C ya BBC ya CCD hona bahut zaruri hai to get the admission. So they have the it's a program specific entry requirement. Some programs good sciences ke engineering ke jo programs hain, business programs, they require BBC minimum. Lowest you can go C double D या triple C on average मैंने देखा है कि requirement मिल जाते हैं. अगर international Barclays IB की बात करें तो they need minimum 29 overall points. Post graduate की बात करें तो they need 4 years bachelor's degree. First class bachelor's degree UK equivalent होनी चाहिए, जिसमें आपके पास at least 60% marks overall होना बहुत जरूरी है. और अगर आपके पास 2+2 की degree है, या अगर आपने 2 years की bachelor's दी हुई और 3 अप्रैल आपने master's किया हुआ है जो 2 का, तो आपके पास at least 55% marks होना बहुत जरूरी है. या अगर आपके पास 2 years के आपके पास अगर degree है और आपने साथ में 3 years का master's भी किया हुआ है, जैसे कि like अक्सर बच्चे जो है वो BCom करने के बाद वो जो है उसमें चले जाते हैं 3-3.5 इयर्स के एमबीए प्रोग्राम में, देन दे स्टिल आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स डिग्री. उसमें भी आप समझेंगे अगर आपको ओवरऑल 55% मार्क्स अगर हैं, देन यू आर स्टिल एलिजिबल. बात करते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में. आईएलटीएस की जो रिक्वायरमेंट है, आईएलटीएस आपके पास 6.5 विद ईच कंपोनेंट 6.0 होना बहुत जरूरी है. अंडरग्रेड की बात कर रहा हूं, टॉफिल 72 विद मिनिमम जो है आपके पास रीडिंग जो है वो 18 हो, राइटिंग स्पीकिंग अगर आपके पास 17 भी है तो चलेगा, लेकिन स्पीकिंग आपके पास 20 बहुत होना जरूरी है. तो राइटिंग एंड लिसनिंग 17, स्पीकिंग आपके पास 20 होना बहुत जरूरी है. बात करते हैं पोस्ट ग्रेड के लिए. पोस्ट ग्रेड में आईएलटीएस जो है वो 6.5 विद नो लेस देन 6.0 ही नीचे होना चाहिए. टॉफिल की बात करें तो आईबीटी टॉफिल 72 मिनिमम होना चाहिए, जिसमें आपके पास रीडिंग जो है वो 18 होना चाहिए, राइटिंग और लिसनिंग अगर 17 इज एक्सेप्टेबल, स्पीकिंग सेम 20 मांगा एज अंडरग्रेड. PT is also acceptable. Overall आपके पास at least 50 होना बहुत जरूरी है, with no less than 42 in each component is required. डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फी के बारे में. आर्ट्स की जो डिग्री है वो 13,500 पाउंड्स, एग्रीकल्चर सॉरी आर्किटेक्चर भी सेम 13,500 में है. बिजनेस की डिग्री 13,500 पाउंड्स के इन बिटवीन मिल जाते हैं. एजुकेशन 15,000 पाउंड्स में मिलेगा. नर्सिंग सेम 13,500 में. फिजियोथेरेपी के प्रोग्राम भी आपको बैचलर्स में 13,500 में मिलते हैं. और साइंसेज की भी तमाम तरह डिग्री आपको 13,500 पाउंड्स पर एनम पे मिल जाते हैं. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेड में आर्ट्स की जो डिग्री है मास्टर्स में वो 14,500 के इन बिटवीन तमाम डिग्री मिलती हैं. बिजनेस की तमाम डिग्रीज आपको 14,500 में मिल जाती हैं. एजुकेशन के प्रोग्राम 9,250 प्रोग्राम में मास्टर्स में अवेलेबल है, मास्टर ऑफ एजुकेशन जैसे प्रोग्राम हो गया. एविएशन मैनेजमेंट आपको 14,500 में मिल जाता है. मोस्टली जो प्रोग्राम है ना इस यूनिवर्सिटी में जो ऑफर किए जाते हैं वो सेम स्टैंडर्ड फीस है. यू कैन चूज एनी प्रोग्राम, फीस विल बी द 14,500 पाउंड. बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में. दे डू ऑफर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू फॉर अवार्ड है वो 1000 पाउंड का होता है. इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन या मेरी वेबसाइट पे आप जाएं studyabroadupdates.com, जहां पर मैंने तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इसमें बताया गया है. इसका आप ये मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं और क्या उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसीजर बेसिकली क्या है, और एप्लीकेशन डेडलाइन जो कि आप 25th of June होती है इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन, जिसकी क्लोजिंग डेट है. सेकंड अवार्ड जो ऑफर करते हैं दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप. इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो 3000 पाउंड तक का फंडिंग होता है, वो जो 3 इयर्स में मिलता है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, क्या अचीवमेंट उन्होंने लेनी होती है, और एप्लीकेशन किस तरीके से जो है उसने फुल टाइम प्रोग्राम के लिए अपनी प्लेस करनी है, मेरी स्क्रीन पर आ रहा होगा. यही तमाम इन्फॉर्मेशन मेरी वेबसाइट पर ही, मैंने अपनी स्कॉलरशिप के अंदर इसमें ना लिंक भी दिया हुआ है किस लिंक पर जाकर आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं. तो मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहां आप जाएं और ये आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी.